दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दुआ करता हूँ अच्छे होंगे। और आज के सुबह में हम लोग मॉर्निंग में बनाने जा रहे हैं दाल का, यानी कि चने का दाल का हलवा, जो कि एक नया रेसिपी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ तैयार है, उसको सील पर पीस लिए हैं। और यहाँ पर देखिए सब मसाला वसाला सब तैयार है, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाया जाएगा। तो दोस्तों, आज बृहस्पतिवार का दिन है और हम लोग आज बनाने जा रहे हैं दाल का हलवा, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है घी में डालने के बाद। और घी दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, तभी मतलब ये बनेगा। आप देख सकते हैं, अब इसको मिला लेना है। घी में डालने के बाद इसको मिलाते रहना धीरे धीरे, बहुत हल्के हल्के हाथों से मिलाते रहना है दोस्तों। जैसा कि ये हम लोग आज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन नीतू जो है व्रत हैं, जो बृहस्पति देव भगवान का व्रत है ये, जो इन्होंने कुछ मन्नत मांगा था और इनका वो पूरा हुआ है। तो उसी के मतलब ये 11 व्रत करना है, 11 बृहस्पतिवार करना है। तो ये लगातार मतलब कि हर हफ्ता व्रत करती हैं और लगातार हलवा बनता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ब्लॉग वीडियो बनाया जाए, ताकि आप लोग भी देख सकें कि चने के दाल की हलवा कैसे बनाया जाता है, मतलब कि बहुत ही बढ़िया घी में। और घी भी दोस्तों बहुत ही मतलब कि बढ़िया कंपनी का होना चाहिए। और देख सकते हैं हल्के हल्के आंच पर इसको सिझाते रहना है और चलाते रहना लगातार, ताकि कढ़ाई में चिपक ना जाए। ये देखिए, अभी देखना दोस्तों इसका कलर कैसे बदलेगा जब इसको धीरे धीरे मिलाते रहेंगे। और धीरे धीरे ये गाढ़ा होता चला जाएगा, बिल्कुल गाढ़ा होता चला जाएगा, गाढ़ा होता चला जाएगा। लेकिन दोस्तों ये मुलायम रहेगा, इतना गाढ़ा नहीं होगा। देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना मतलब कि गाढ़ा हो चुका है। हाँ हाँ, तुम अपना काम करो, तुम इधर क्या देख रही हो, चलो। आप कुछ नहीं करेंगे, चीनी डालने के बाद तैयार हो गया हलवा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार के दिन ये नीतू जो है व्रत रहती हैं और बृहस्पति जी का व्रत रहती हैं। और इन्होंने क्या बोलते हैं कि मन्नत मांगा था वो पूरा हो गया, तो उसी खुशी में व्रत रह रही हैं और आज के दिन हलवा बना करके खाया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर चीनी डाला जाएगा, उतनी ही मात्रा में डाला जाएगा जिससे कि हलवा ज़्यादा मीठा ना हो और ज़्यादा कम भी ना हो, मीडियम में होना चाहिए। और दोस्तों चीनी में पानी वानी कुछ नहीं मिलाना है, चीनी को ऐसे ही डाल देना है। चीनी में थोड़ा देख लेना है, कचरा वचरा तो नहीं है। और इस तरह देखने के बाद दोस्तों हलवा में डालना है, क्योंकि ये पूजा का हलवा बन रहा है, व्रत का हलवा बन रहा है, तो ध्यान से बनाना पड़ता है। तो दोस्तों इसको डाल दिया जाएगा और अब हलवा का इंतज़ार भी दोस्तों कुछ देर में ख़त्म हो जाएगा। और आप लोग इस वीडियो से दोस्तों कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि ये हलवा जो है बहुत ही स्वादिष्ट है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग भी अपने घर पर हलवा बनाइएगा इस तरह से। दोस्तों ज़्यादा सामग्री इसमें नहीं लगता है, केवल घी और चने का दाल और केवल चीनी, बस दोस्तों यही तीन सामग्री लगता है। और इस तीन सामग्री से सारा हलवा इसके सामने फेल हो जाएगा। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दाल का हलवा घी के साथ, स्वादिष्ट रेसिपी। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और देख सकते हैं दोस्तों बस कुछ ही समय में हलवा जो है तैयार होने वाला है। इसको धीमी धीमी आंच पर दोस्तों पकाया जाता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। और देखिए दोस्तों अब बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मुलायम हो जाए, जैसे जेली हो जाता है दोस्तों, जेली, आप लोग जेली का नाम सुने होंगे, उसी तरीके से बिल्कुल मुलायम हो जाएगा जेली की तरह। और खाने में दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही स्वाद आता है। वीडियो में दोस्तों थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि ये पूरा वीडियो मैं बना रहा हूँ, ताकि आप लोग को भी मतलब कि महसूस हो कि हलवा कितने समय में तैयार होता है। और हलवा में, इस हलवे में ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी सब हलवा दोस्तों जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये चने का दाल है दोस्तों, इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इसको दोस्तों हल्का हल्का जब तक लाल ना हो जाए तब तक आप इसको चलाते रहिएगा, चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे को जलना चालू हो जाएगा, कालापन आ जाएगा इसमें। इसको लगातार चलाते रहना है और जितना चलाइएगा उतना ही हलवा रंगीन होता जाएगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोलनी से छोड़ा छोड़ा के उसको इस तरह छुड़ा लेना दोस्तों, और छुड़ा छुड़ा करके और फिर से इसको चलाना है, इसको छोड़ना नहीं है दोस्तों, छुड़ाते रहना है, नहीं तो जो कढ़ाई में चिपका है। और देख सकते हैं दोस्तों ये बन करके तैयार हो चुका है। समय नोट कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए, 4 मिनट 50 सेकंड में हलवा तैयार हो गया है। अब गैस को बंद कर दिया गया है और इसको अब थोड़ा सा और चला दिया जाएगा। और चलाने के बाद दोस्तों इसको उतारा जाएगा। अब उतारने के बाद दोस्तों इसका हलवे का कलर भी चेक करवाऊंगा मैं आपको,
देख सकते हैं उतारने के बाद भी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा चलाया जाएगा एक दो बार, क्योंकि कढ़ाई गर्म रहता है और गर्म रहने के साथ साथ थोड़ा चिपकने का डर रहता है, तो चिपकने नहीं देना है। घी उतनी मात्रा में रखना है कि हलवा चिपके नहीं। और देखिए दोस्तों कितना सुंदर हुआ है, और यहाँ पर देखिए दो कटोरी में निकाला जा रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक।